को घेर रही। अभी सरकार से हम मांग करते हैं तो राजस्थान पुलिस पेपर लीक प्रकरण में जो कोटा के अंदर जो धांधली हुई है, हम चाहते हैं पूरी राजस्थान के राजस्थान पुलिस का पेपर दोबारा किया जाए और 15 लाख नौकरियों का वादा था पूरा किया जाए और जो लगातार धांधली हो रही है उन धांधली परीक्षाओं के नाम पर रोक लगाई जाए। हम सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जी आप सुन रहे हो, आप कह रहे हो कि अच्छे दिन आए, हम नहीं चाहते कि विद्यार्थी के अच्छे दिन आए, आपके पूंजीपति के अच्छे दिन आए, पूंजीपति ग्रहणों के अच्छे दिन आए। हम क्या गरीब का विद्यार्थी आपसे परेशान है और हम ये कहना चाहते हैं इस विद्यार्थी के आपके दर्द को नहीं समझा तो आपको हनुमानगढ़ में पैर नहीं रखने देंगे और राजस्थान सरकार जो 2018 विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जवाब देंगे।